Hello everybody, welcome to our today's live revision race, and today's topic is resources and development from class 10 SST. Okay, so let me see who all are here and then we will start. So I'm Deepika from LearnoHub and today we will be discussing about resources and development. तो हम जल्दी से फटाफट से रिविजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे एंड देन वी विल गो फॉर अ मेंटी क्विज. ओके ओके, सो हाय अक्षया, हाय विकास, हाय नीलू, हाय धीरज, हेलो शीतल मैम. ओके, सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, कितने हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, किन को अभी हमें एक्सप्लोर करना है, कैसे वो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कैसे हम उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, क्या हम उनको एक्चुअली सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आवर टुडेज लाइव. ओके, हाय चैम्प वॉइस. ओके, सो सबसे पहली बात है व्हाट आर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हैं क्या, तो जो भी हमारे एनवायरमेंट में हमें हमारे पास अवेलेबल है, मतलब जो नेचुरली हमारे पास है, ठीक है, जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है. कोई चीज़ अगर वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा नीचे है एंड वी आर एबल टू टेक इट आउट. ओके, सो मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम उसको ज़मीन में से निकाल के वी कैन एक्चुअली यूज़ इट फॉर अ बेटर पर्पज, राइट. सो दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. देन इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली भी हम मतलब वी कैन स्पेंड दैट अमाउंट कि हाँ हम उसके ऊपर इतना पैसा लगा पा रहे हैं कि हम उस चीज़ को ला पा रहे हैं अपने तक. देन कल्चरली विच इज़ एक्सेप्टेबल, जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल है कि हाँ ये करने से हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है. सो एवरीथिंग इन आर एनवायरमेंट which satisfies our need, so that are called resources, and these are technologically accessible, these are economically feasible, and they are culturally acceptable to all the people, right. I cannot say all the people, but like majority of people. Okay, so what about the classification of resources and why we and how we have basically classified these resources. Okay, so kya hai on different basis, there are four criteria on which we have classified these resources, and the very first one is origin. Unka origin kya hai, are they biotic or are they abiotic. So biotic matlab all the living resources, जैसे plants हैं, animals हैं, okay, तो ये plants और animals जो हैं और या humans हैं, we all are biotic, okay, तो ये plants जो हैं, जो हमें plants have so many uses, right, हम सबको पता है, तो these are resources, animals are resources, then talking about abiotic, तो abiotic में sun है, water है, so all these non-living resources are called abiotic, okay, so sorry. So bio means life, okay, so when we are saying biotic, so bio means life, so we are talking about the living resources, and when we are saying abiotic, so abiotic means all those in which life is absent somewhere, right, jaise ki soil hai, soil is not living. To agar hum jab aap class 11 mein aap jaoge to aap bio mein padhoge ki ek living organisms ki characteristics kya hai, तो वो उसमें मेटाबॉलिज्म हो, वो रिप्रोड्यूस कर पाए, और वैसे ही देर आर थ्री फोर मोर, ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. सो ऑल दोज विच आर एब्सेंट इन सम रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, सो दीज आर एबायोटिक वंस. नाउ कमिंग ऑन टू द ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी. अब एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि कौन कितनी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो जल्दी जल्दी रीन्यू हो जाते हैं. जैसे कि मान लो कि हम सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और उससे हम मतलब हमने लाइट्स लगाई हैं जो सोलर एनर्जी पे, जो सोलर एनर्जी से चलती हैं, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, सोलर एनर्जी इज गोइंग टू बी देयर, इट कैन नॉट, आप कितनी भी यूज कर लो, सोलर एनर्जी इज नॉट गोइंग टू एग्जॉस्ट, राइट. सो दैट इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स.
बट देर आर सम रिसोर्सेज विच के नॉट बी रीन्यूड सो क्विकली. जैसे अभी शाम हुई, अब कल सुबह हो जाएगी, देन अगेन सन विल कम एंड वी कैन अगेन कैप्चर दैट सोलर एनर्जी, राइट? और फिर से उससे हम लाइट जो है वो जेनरेट कर सकते हैं. बट देर आर सम रिसोर्सेज जिनको एक्चुअली बहुत बहुत टाइम लग जाता है खुद को रिन्यू करने में, इतनी जल्दी वो नहीं बनते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स. सो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स, लाइक टू मेक फॉसिल फ्यूल्स, लाइक जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन चीज़ों को बनने को. सो दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की कौन सी चीज़ किसकी है, जैसे इंडिविजुअल में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि द थिंग्स विच वन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल ओन. जैसे मेरे पास, ठीक है, से आई हैव अ प्लांटेशन, आई हैव अ कॉफी प्लांटेशन, सो दैट इज द थिंग विच आई ओन, सो दैट इज माई रिसोर्स. ओके, फिर मान लो कि मैंने एक ट्यूबवेल बनवाया था, सो दैट इज माई रिसोर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं कि जो एक कम्युनिटी यूज़ करती है. जैसे मान लो कि कोई पार्क है ना, पार्क हो गया, या एक विलेज में कुछ और कॉमन चीज़ें हैं, या एक सोसाइटी में कुछ और कॉमन चीज़ें. मान लो आप एक टावर में रहते हो जिसमें लिफ्ट है, वो कम्युनिटी यूज़ कर रही है, राइट? मतलब सब लोग यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ कम्युनिटी रिसोर्स. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. नाउ कमिंग ऑन नेशनल, वो रिसोर्सेज जिसका लीगल राइट सिर्फ एक कंट्री के पास है कि हमारे आसपास ये सब चीज़ें हैं एंड ओनली दिस कंट्री कैन एक्चुअली टेक आउट दोज रिसोर्सेज, ठीक है, सिर्फ वही इस रिसोर्स का यूज़ कर सकती है. देन देर आर सम इंटरनेशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसका लीगल राइट किसी भी कंट्री के पास नहीं है और वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है. ओके, सो नो कंट्री कैन एक्चुअली वर्क, मतलब उन रिसोर्सेज को कोई भी यूज नहीं कर सकता है. सो दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज. सी इन द वर्ड्स इटसेल्फ देयर इज अ मीनिंग, राइट? तो ये जो फर्स्ट थ्री थे इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर है कि कौन सा रिसोर्स क्या होगा. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब कौन सी चीज़ कितनी डेवलप्ड है, जैसे कि पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में होता है कि हमें मतलब कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो, मतलब कुछ रीजन्स हैं वो मिल चुके हैं, ठीक है, कि पता है कि यहाँ पर ये वाला रिसोर्स हमें मिलेगा, है ना. मान लो आयरन ओर है, वो हमें इस जगह पे मिलेगा, लेकिन अभी तक हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, सो दैट इज अ पोटेंशियल रिसोर्स. जैसे कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, वेस्टर्न पार्ट्स में बेसिकली, जैसे कि अगर हम राजस्थान जाए, गुजरात जाए, अगर कोई गया होगा तो उन्होंने बड़ी बड़ी विंड मिल्स देखी होंगी. सो देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली यूज सोलर एनर्जी. एक तो बहुत धूप होती है वहाँ पर, और दूसरा वहाँ पर हवा बहुत चलती है. सो यू वी कैन एक्चुअली यूज दोज, मतलब जितनी अभी विंड मिल्स लगे हैं या जितने अभी सोलर प्लांट्स लगे हैं, उनसे भी कई ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ की हवा में एंड वहाँ की सोलर एनर्जी में. तो उससे भी ज़्यादा है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो चीज़ वहाँ है, बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट. ओके, सो दैट इज अ पोटेंशियल रिसोर्स. नाउ कमिंग ऑन टू डेवलप्ड स्टॉक, वो रिसोर्सेज जिनकी सर्वे हो चुकी है, जिनकी क्वालिटी का पता है, कंटेंट का पता है, एंड उनकी यूटिलाइजेशन का भी काम शुरू हो चुका है. ओके, सो दैट इज अ डेवलप्ड स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्स. देन व्हाट आर दीज स्टॉक्स, अब स्टॉक वो होते हैं जिनके बारे में, ओके जस्ट लेट मी रीड द कॉमेंट्स फर्स्ट, में भूल गई. किसका प्रीबोर्ड है? ऑल द वेरी बेस्ट माधव, मूवीज हब हलो. ओके, so all the way you are in Gujarat only Madhav and visited Rajasthan, so you must have seen wo badi badi si windmills, right? Windmills aapne dekhi hongi, so they bahut hawa chalti hai, to wahan already windmills hain, but we can actually plant some more, jo ki wo jo ek potential hamare paas resource hai na, usko hum full fleshed hum usko use kar sake, aur hum renewable, jaise wind jo hai it is also a renewable resource, theek hai, aur जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो विंड जो है वो रिन्यू होती रहेगी खुद से, मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं होगी. तो हम उन रिसोर्सेज पे ज़्यादा
डिपेंडेंसी शो कर सकते हैं रादर देन ऑन द रिसोर्सेज विच कैन एक्चुअली लाइक एग्जॉस्ट आफ्टर सम टाइम. अगर हम उसको यूज करते रहे बिना सोचे समझे तो वो एक्चुअली एग्जॉस्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद. हाय एकिन यूनिवर्स, ओके योर बर्थ प्लेस इज राजस्थान. ऑल राइट ओके. सो नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉक. सो स्टॉक वो चीज़ें होती हैं एनवायरमेंट में जो कि मतलब जिनका पोटेंशियल हमें पता है ओके लेकिन हम उनको उनके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे हैं उनको यूज करने के लिए. सो दैट इज अ स्टॉक. ठीक है. और रिजर्व क्या होता है कि अब हमने हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास रिजर्व है उसको निकालने के लिए हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्स के लिए लेकिन अभी तक हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है. तो ये है मीनिंग कुछ कुछ. रीन्यूएबल वो होती है जो खुद से रीन्यू हो जाती है. जैसे रोज सुबह धूप आ जाएगी तो सोलर एनर्जी जो है वो खुद से ही ऑटो रीन्यू होती रहती है. ठीक है. हमें कुछ अलग से कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं. और रिसाइक्लेबल वो होती हैं चीज़ें जो हम एक्चुअली जैसे मान लो एक हमारे पास एक ग्लास बॉटल है ना. अब उसमें हमने कोक पिया था. अब कोक तो हम पी गए उसके बाद अब फिर से उस बॉटल का क्या करें हम. तो अब हम उसको रिसाइकल कर देंगे ताकि हम उसको फिर से हम उसको यूज़ कर पाए. ओके. सो वी हैव टू पुट सम एफर्ट टू रिसाइकल अ थिंग. राइट. ओके. नाउ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब डेवलपमेंट रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमंस जो है ना वो जैसे कि वो बस पीछे पड़ गए कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कि बस इनको तो पूरा का पूरा यूज़ कर लेंगे. बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आर फ्यूचर जनरेशन कि अगर हमने तो यूज़ कर लिया लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं अगर हमने उनको इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तो उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. क्योंकि वो रिसोर्सेज ही ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. तो दूसरी बात कि जो अकमलेशन है रिसोर्सेज की वो कुछ ही लोगों के पास है. अब जैसे रिच और पुअर है तो कई चीज़ें हैं वो सिर्फ रिच लोगों के पास है कुछ रिसोर्सेज है और जो थोड़े गरीब लोग हैं उनके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं. दूसरा थर्ड इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब हम किसी चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर देते हैं किसी रिसोर्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली ग्लोबल क्राइसिस आने लगे हैं. जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस में क्या आता है ग्लोबल वार्मिंग. देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर. राइट. क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंज होने लग गया. देयर इज़ ओजोन लेयर डिप्लीशन स्टार्ट हो गया. इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो गया. लैंड की डिग्रेडेशन शुरू होने लग गई है. सो दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली we are using the resources but we are not thinking about the implications ki agar hum inko itna zyada use kar lenge to kya ho jayega. okay. so we have to think before we use them. hi queen asa I am fine thank you so much. hello abhishek. hello mk dance. okay. now resource planning. resource planning ek complex process hai aur wo bahut zyada useful hai. to hame pehle to identify karna padta hai ek inventory banani padti hai ki kon kon se hamare jo resources hai wo hamare paas hai unka survey karna padta hai. maps mein unko locate karo unki quantity aur unki quality ko estimate karo ki kaise resource hai quality kitni achhi hai kitni nahi hai. theek hai. उनका मेजरमेंट एक रफ मेजरमेंट कि वो रिसोर्स एक्चुअली लगभग वो कितना सा है मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो रिसोर्स कितना है. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आइडेंटिफाई करना और उनकी इन्वेंट्री बनाना. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. तो अब इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाना. ठीक है. एक प्लानिंग करना इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एक पूरा प्लानिंग करके एक एप्रोप्रिएट हम कोई एक प्लान बना देंगे कि अब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्किल और बाकी सेटअप जो है उनको यूज़ करके कैसे उन रिसोर्सेज को निकालेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उन मतलब वो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हम कैसे बनाएंगे और कैसे उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे. देन मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. अब मान लो कि रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है
ठीक है, जो हमने प्लान बनाया है, तो उसका हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान पे क्या फर्क पड़ रहा है, हाउ इट इज लाइक हाउ इट इज गोइंग विद आर नेशनल डेवलपमेंट प्लान, तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे. सो दिस इज रिसोर्स प्लानिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. सो व्हाट इज दिस कॉलोनाइजेशन, तो क्या होता है कि हिस्ट्री में हमने हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स की जो रिच रिसोर्सेज है ना कॉलोनीज में, वो ज़्यादातर लोगों की अट्रैक्शन नहीं है. मतलब जहाँ पर उनको लगा है कि अच्छा ये रिसोर्स यहाँ पर मिलता है, तो वहाँ पर यूजली फॉरेन ट्रेडर्स आए हैं और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हैं और उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है. ठीक है. Now it was primarily high level of technological development of colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions. ठीक है. अब colonization की वजह से जो वो traders या वो countries जिनके पास actually ज़्यादा technological development थी, उन्होंने कुछ और regions को exploit किया है और अपनी colonies वहाँ पर बनाई हैं. So history is लाइक हिस्ट्री में ऑलरेडी ये चीज़ इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं. राइट. देन रिसोर्सेज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली वेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. अब अगर हमने रिसोर्स को निकाल भी लिया है, अगर हमें यही नहीं पता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, सो जस्ट एक्सट्रैक्टिंग दैट आउट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. हमें पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कहाँ पर है, कैसे करना है. उसके लिए हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी बनाए, एक प्रॉपर प्लान बनाए, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाए जहाँ पर हम उनके बारे में स्टडी कर सकें और उनको यूज़ कर सकें. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू वन समिट दैट वॉज इन 1992, दैट इज़ रियो डी जनेरियो अर्थ समिट. तो ये ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, मतलब दिस प्लेस इज इन ब्राज़ील. और 1992 में एक लाइक एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था जिसमें ऑलमोस्ट 100 लोग थे, ठीक है, मोर देन 100 थे बेसिकली. तो उन्होंने जो अभी जो क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी सारे इश्यूज थे उनके बारे में बात की थी, और उन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को के बारे में सोचने के लिए उन्होंने ये एक इंटरनेशनल समिट किया था और एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी जिसमें उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी प्लान्स बनाए थे. उसके बाद एक एजेंडा 21, एंड व्हाट इज दिस एजेंडा 21 वी विल टॉक अबाउट. ठीक है. तो उन्होंने एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, मान लो हम फॉरेस्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन हमारा एक चीज़ जो है वो हमें ये भी ध्यान रखनी है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ठीक है. ऐसा ना हो कि आज ही हम सब कुछ यूज़ कर लें और कल को जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास कुछ भी ना बचे यूज़ करने के लिए. ठीक है. सो डेवलपमेंट विच मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. ठीक है. अब ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा उनको चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर दें कि वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करने लग जाए. वो हमारी आज तो डेवलपमेंट हो जाए लेकिन फ्यूचर जो नीड्स है, फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है, वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए. तो उसके लिए एक ही इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था. सो नाउ व्हाट इज़ दिस एजेंडा 21. तो ये बेसिकली एक साइंड डिक्लेरेशन है, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड के मोर देन 100 लीडर्स थे, उन्होंने इस पे साइन किया था. तो उन्होंने फोकस किया था ऑन अटेनिंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब पूरे ग्लोब में, थ्रू आउट द वर्ल्ड कैसे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए उन्होंने साइन किया. तो इसका मेन एम यही था कि कैसे हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ डैमेज से, ठीक है, कैसे पॉवर्टी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, कैसे डिजीज़ को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और जो म्यूचुअल नीड्स है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कैसे उनको हम पूरा कर पाएँ. देन एन इम्पॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्ट एम ऑफ दिस एजेंडा इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. तो ये था कि ये तो एक एजेंडा 21 जो था जो इस समिट में हुआ था उसका क्या था कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए है. उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो उसमें थी वो ये था कि हर एक लोकल, जैसे छोटे छोटे गांव हैं या छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है, तो
सब लोग अपना एक लोकल एजेंडा 21 बना लें, जिसमें कि वो ये देखें कि हमें अपने एरिया की डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि इससे हमारी जो फ्यूचर जेनरेशन है उनके मतलब वो चीज़ों में उनको चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, या फिर हमारा जो एनवायरमेंट है वो ही ख़राब होने लग जाए. ठीक है, सो दिस वॉज एजेंडा 21. नाउ कमिंग ऑन टू लैंड रिसोर्सेज. तो ये लैंड रिसोर्सेज क्या हैं? लैंड रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे जो नेचुरल वेजिटेशन को, सॉइल को, ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन के एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली लैंड पे क्या क्या है, हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ यहाँ रहती है. ठीक है, फिर हम फार्मिंग कर रहे हैं, और क्या है, हम ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे रेल ट्रैक्स जो हैं, फिर हमारे रोड्स जो हैं, वो सारे यहीं पर हैं. ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, सो दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज. नाउ द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमिंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. ठीक है, अब जो लैंड का यूज़ है वो कैसे पता चलता है, उसके फिजिकल फैक्टर से, कैसी जगह है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी सॉइल है, कैसे मतलब उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, क्या टेक्नोलॉजिकली कितना वो कितनी एडवांस्ड है. ठीक है, वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस क्या हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर लैंड है उसका यूज़ कैसे किया जाएगा. नाउ द लैंड यूटिलाइजेशन. अब लैंड यूटिलाइजेशन क्या है? ठीक है, तो लैंड यूटिलाइजेशन में आते हैं कैसे हमारी लैंड यूटिलाइज हो रही है. तो लाइक बहुत सारा पार्ट जो है वो क्या है, वो अंडर फॉरेस्ट है. ठीक है, वो फॉरेस्ट कवर है हमारे मतलब हमारे ग्लोब में. देन देयर इज सम लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मतलब ऐसी लैंड है जो वेस्ट है या बैरन है. ठीक है, जिसको जिसमें एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं की जाती है, वो ऐसे होती है कि रोड्स बना दिए, फैक्ट्रीज बना दी, बिल्डिंग्स बना दी. ठीक है, सो दैट इज़ द लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन. उसके बाद अदर कल्टिवेटेड लैंड. सो उसके सिवा भी ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जो ग्रेजिंग एरियाज होते हैं, है ना. फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो जहाँ पर ट्रीज होते हैं लेकिन वो एज कल्टिवेटेड नहीं होती हैं, मिसलेनियस सी लैंड्स. ठीक है, कुछ कल्चरेबली वेस्ट लैंड्स होती हैं जिनमें की कल्टिवेशन हुई ही नहीं है पिछले 5 साल से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुई ही नहीं है पिछले 5 ईयर्स से. देन फैलो लैंड्स. तो फैलो लैंड्स वो होती है, एक तो करंट फैलो लैंड की, मान लो अब पिछले साल तक वहाँ पर कल्टिवेशन होती थी और अब कल्टिवेशन बंद हो गई है. एंड अदर देन करंट फैलो, तो वो ज़मीन जहाँ पर बहुत टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 5 साल से कल्टिवेशन नहीं हुई है, सो दैट इज कॉल्ड फैलो लैंड्स. ओके, सो आई होप लाइक नॉट जस्ट नॉट एवरी ओके हाय श्रुति. So not all of you are just like chatting only, but you are also listening. Okay. So now is land degradation and conservation method. अब हमें पता है कि हमारी land degrade हो रही है. क्यों degrade हो रही है? क्योंकि forest जो है उनको काट दिया जा रहा है ना, या काट रहे हैं, या वो किसी तरह से वो जल जा रहे हैं, जो भी आजकल हमें सुनने में आ रहा है, या overgrazing इतनी हो जा रही है, mining हो रही है चीज़ों को ढूंढ के निकालने के लिए, मतलब mining हो रही है, और ये सब चीज़ें जिसकी वजह से लैंड जो है हमारी डिग्रेड हो रही है. तो गांधी जी ने एक चीज़ बोली थी कि मतलब इन हिज वर्ड्स, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट एवरीबडीज ग्रीड. तो हमारी ज़रूरत के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम ग्रीडी हो जाते हैं, अगर हम लालची हो जाते हैं, देन मतलब एवरीथिंग इज़ लेस. ठीक है, कोई भी चीज़ हमें मतलब हमें कितना भी मिल जाए हम तब भी कभी खुश नहीं होंगे. ओके, तो इफ वी हैव द बेसिक थिंग्स, रोटी कपड़ा एंड मकान, एंड वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, ठीक है, सब कुछ टाइम से हो रहा है, सो दैट इज़ फाइन. इफ वी बिकम ग्रीडी, सो देयर इज नो एंड टू अ ग्रीड. ऐसा हमें रहेगा क्योंकि आज ये मिल जाए देन वील बी हैप्पी, सो दैट विल नॉट हैपन, राइट. सो इफ ग्रीड कम्स, सो देन नोबडी कैन डू एनीथिंग. Okay, so he was against mass production but wanted to replace it with production by masses. वो ये नहीं चाहते थे कि
एक साथ बहुत, कोई एक है वो बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहा है, बट वॉट ही वॉन्टेड वॉज प्रोडक्शन बाय मासेस, कि हर एक इंसान जो है वो थोड़ा थोड़ा सा प्रोड्यूस करे, चाहे वो अपने लिए करे ताकि वो अपना ही गुजारा कर ले, ठीक है। नाउ वेज टू अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन, तो हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो पहली चीज कि हम पेड़ लगाएं, ठीक है, और प्रॉपर मैनेजमेंट हो कि कहाँ पर ग्रेजिंग होनी चाहिए और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स इन प्लांट्स, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स होनी चाहिए और स्टेबलाइज, अगर जो सैंड ड्यून्स आते हैं उनके लिए स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, थॉर्नी बुशेस को हमें ग्रो करना चाहिए। देन देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट, जो लैंड जो है जो वेस्ट होती है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज जो है, जो कि एक मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो भी डिस्पोजल है, ठीक है, जो भी वेस्ट है उस सब के डिस्चार्ज के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी जाके कुछ भी चीज़ जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सॉइल, सॉइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल, जितनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो हैं हमारे पास मतलब अवेलेबल हैं, तो वी विल टॉक अबाउट देम। सो अगर हम देखें तो सॉइल में ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है, कुछ इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, और जो बेसिस होते हैं, जिस मतलब कैसी सॉइल होगी, वो कैसे बनी है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी थिकनेस कितनी है, जो एक छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसकी थिकनेस क्या है, और एज क्या है इस सॉइल की, कितनी पुरानी सॉइल है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी सॉइल टाइप्स मतलब ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके हमने इंडिया की सॉइल को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल जो है वो एक ओके, सो अलुवियल सॉइल जो है इट इज डिपॉजिटेड बाय थ्री हिमालयन रिवर सिस्टम, वन इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इनसे इनके जो इनकी वजह से जो एक जो सॉइल डिपॉजिट होता है, सो दैट इज अलुवियल सॉइल, और इसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का, ठीक है। तो अगर हम एज की बात करें तो एज के बेसिस पे अलुवियल सॉइल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है भंगारी बोल सकते हैं, एंड वन इज खदर। सो भंगार इज ओल्ड अलुवियल सॉइल एंड खदर इज द न्यू अलुवियल सॉइल, एंड खदर इज लाइक मोर फर्टाइल सॉइल। देन अलुवियल सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, एंड विच आर आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पेडी, वीट, सीरियल्स एंड पल्सेस। तो अलुवियल सॉइल में पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, जो कि उसकी जो कि शुगर केन, पेडी, वीट और भी काफ़ी सीरियल्स हैं उनके उनके मतलब उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। देन कुछ ड्रायर एरियाज में जो सॉइल होती है इट इज़ वेरी अल्कलाइन एंड इट कैन बी प्रोडक्टिव अगर हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और हम उसको प्रॉपरली इरीगेट करें, ठीक है। ओके, वन मिनट। नाउ द ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल जो है इट इज आइडल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, तो ये चीज़ तो आपको ऐसे ही याद रखनी चाहिए। सो ब्लैक सॉइल इज फॉर कॉटन कल्टिवेशन, और ये यूजुअली डेकन ट्रैप में होती है, डेकन प्लेटू में होती है, और ये लावा से बनती है, ठीक है, और ये यूजुअली ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, महाराष्ट्र का प्लेटू है, इसको कवर करती है, और जो इसमें बहुत थिन पार्टिकल्स होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, और जिसको हम क्लेई मटीरियल भी बोलते हैं, ठीक है, और ये अच्छे से मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है, एंड इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। तो इसके लिए यू हैव टू मेक पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, तो हर एक सॉइल के बारे में पॉइंट्स के No, I haven't completed erosion. Okay, तो points में लिखना, and it will like just go through them, just try to understand them, and you will get the answer. ठीक है, now red and yellow soil. तो red soil जो होती है वो crystalline igneous rocks में होती है, जहाँ पर rainfall कम होती है, जैसे कि eastern और southern parts of Deccan Plateau, और yellow and red soil जो होती है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाई जाती है। इसके सिवा ये रेड होती है क्योंकि इसमें
जो आयरन जो होता है वो होता है, थोड़ा सा आयरन होता है, आयरन क्रिस्टल होते हैं या मॉर्फिक रॉक्स की फॉर्म में होता है। एंड इट लुक्स येलो क्योंकि वेन इट मतलब इट लुक्स येलो इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर उसमें पानी हो तो वो एक येलो कलर का मतलब वो येलो जैसी दिखती है। देन इज लिट्रेट सॉइल, ठीक है। तो लिट्रेट सॉइल वो होती है जो मोस्टली डीप होती है, बहुत डीप होती है, एसिडिक होती है, और उसमें ज़्यादा कोई प्लांट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ह्यूमस होता है उसमें, लेकिन बहुत ही कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन दैट सॉइल। और ये यूजुअली टी और कॉफ़ी की कल्टिवेशन में यूज़ होती है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में ये सबसे ज़्यादा होती है। और केरला में तो ये कैश्यू नट्स की प्रोडक्शन मतलब कैश्यू नट जो हैं वो भी इसी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। ओके, सो नाउ एरिड रीजन्स, एरिड सॉयल बेसिकली। तो एरिड सॉयल जो होता है उसका कलर रेड से ब्राउन में होता है, ये सैंडी होती है, सेलाइन होती है, सेलाइन मतलब थोड़ी सॉल्टी। और ड्राई क्लाइमेट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से जो सॉयल होती है इसमें ह्यूमस नहीं होता है और इसमें मॉइस्चर भी नहीं होता है। सो दिस वॉज लाइक देन द कंकर लेयर फॉर्मेशन ऑन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो प्रॉपरली वाटर भी फिल्टर नहीं हो पाता है। ओके, देन आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दी सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज मतलब इन सॉइल, अगर आपको एरिड सॉइल को यूज़ करना है कल्टीवेशन के लिए तो आपको इसको प्रॉपरली इरिगेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रॉपरली इरिगेट करोगे तभी ये जो सॉइल है इसको आप इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। देन फॉरेस्ट सॉइल, तो जो हिल्स में और माउंटेन्स में सॉइल होती है, ठीक है, वो फॉरेस्ट सॉइल होती है। और इसका जो टेक्सचर है वो वेरी करता रहता है, जैसा माउंटेन है, जैसा एनवायरमेंट है उसके बेसिस पे। और दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, और कोर्स होती है ये अपर स्लोप्स में, ठीक है, जब वैली के साइड्स में लोमी और सिल्टी होती है और ऊपर ही कोर्स ग्रेन होती है। और इन स्नो कवर्ड हिमालयस द सॉइल एक्सपीरियंस जो होता है इट इज़ एसिडिक, ठीक है। एक तो इसमें इरोजन हो जाता है स्नो कवर्ड जो होती हैं, और दूसरा ये एसिडिक होती है और इसमें ह्यूमस का कॉन्टेंट बहुत ही कम होता है। देन सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर ट्रेसेज एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल, ठीक है। ओके, सो नाउ इज द लास्ट टॉपिक दैट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सो सॉइल इरोजन एंड सॉइल, यस, ब्लैक सॉइल इज फॉर कॉटन कल्टिवेशन। हाई माधुरी, ओके ओके, सो ऑल राइट, ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन सबको पता है क्या होता है, कि सॉइल जो है वो अपनी जगह से ऐसे मतलब रिमूव होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। सो दैट इज सॉइल इरोजन। मान लो कि अगर पानी का तेज लूज सॉइल है, पानी तेज आया तो सॉइल वहां से इरोड हो जाएगी। फिर से वही बात है कि लूज सॉइल है और तेज हवा आई तो भी वहां से मिट्टी उड़ के चली जाएगी। सो दिस इज सॉइल इरोजन एंड दीज आर द वेज इन विच सॉइल इरोजन एक्चुअली हैपन्स। और ये ज़्यादातर वहाँ पर होती है जहाँ पर वेजिटेशन कम होती है। वेजिटेशन कम होगी तो जो रूट्स होगी सॉइल की, वो मतलब प्लांट की जो रूट्स होंगी वो सॉइल को बहुत टाइटली नहीं पकड़ पाएंगी, और जब वो टाइटली नहीं पकड़ पाएंगे तो सॉइल जो है वो रिमूव हो जाएगी जैसे ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। देन द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स द डीप चैनल्स। अब कई बार क्या होता है कि पानी बहुत तेज बहाव से आता है और वो क्ले सॉइल के बीच से और वो चैनल से बना देता है, ऐसा लगता है ऐसे गलियां से बना देता है। सो दैट इज दैट टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गलीज, ठीक है। और लैंड विच इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड बैड लैंड, ओके। सो दीज आर द वर्ड्स विच यू नीड टू रिमेम्बर। तो चंबल बेसिन में ऐसी लैंड को रिवाइंस बोलते हैं। एंड वेन वाटर फ्लोज ओवर द लार्ज एरिया डाउन द स्लोप, अब मान लो कि ऐसे स्लोप में जो पानी जब बहता है ना तो बहुत सारी सॉइल जो है वो उसके साथ वॉश हो जाती है, तो उस सॉइल इरोजन को हम बोलते हैं शीट इरोजन। तो बेसिकली जैसे एक शीट ही पूरी रिमूव हो गई है, सो दैट इज कॉल्ड अ शीट इरोजन।
Then wind blows off some wahi loose soil, so that is called wind erosion. And this is also caused by अगर farming के जो methods है वो ढंग से use नहीं किए जाए तो भी soil erosion होता है, ठीक है. अगर plow करके पूरी की पूरी soil आप plow कर दोगे और पानी डालोगे तो वो soil जो है वो चली जाएगी. तो आपको कुछ lines में उसको basically plow करना होता है जिससे कि पानी भी रुक जाए, पूरी की पूरी जो soil है वो भी ना मतलब वो भी इरोड ना हो, ठीक है. जो टेरिस कल्टीवेशन होता है वो एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट करता है ये सॉइल इरोजन को. ओके, नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रिप क्रॉपिंग. ओके, सो व्हाट इज दिस स्ट्रिप क्रॉपिंग. दो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, ठीक है. तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास जो है उनको छोड़ दिया जाता है क्रॉप्स के बीच में ग्रो करने का. तो इससे क्या होता है कि जब हवा चलती है ना फोर्स से, ठीक है, तो वो उस फोर्स को एक्चुअली ब्रेक कर देती है और उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. देन प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर एंड आल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे. जब हम ऐसे रो में ट्रीज को ग्रो कर देते हैं तो वो भी एक प्लांटिंग टेक्निक है जिसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं. उससे भी जो इरोजन है वो रुक जाता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट. ओके, हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लाइक चैप्टर. तो आप सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है. देन सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. सी इफ यू जस्ट पिक अप द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, अंडरस्टैंड देम एंड उनको अच्छे से पढ़ो. एंड अबाउट सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, यू जस्ट नीड टू थिंक कि कैसे हो रहा है और कैसे हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं. यू नीड नॉट टू क्रैम एनीथिंग फ्रॉम द बुक. Okay, so this was all about the chapter, and now we will be talking about important questions. So these are some of the important questions which we want you to practice at home. Okay, so now is the time for our mentee quiz. So I'll just switch the screen. Okay, so I think now you can see. तो ओके, सो वन स्टूडेंट इज आस्किंग लीचिंग. सो बेसिकली इट इज नॉट एल डबल ई, इट इज एल ई ए, राइट. यू हैव रिटन डबल ई ओनली, राइट. सो इट इज एल कहाँ गया, चला गया मैसेज. सो आई फॉरगॉट. हाँ, इट इज नॉट एल डबल ई सी एच आई एन जी. तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो रेन की वजह से या फिर इरिगेशन की वजह से, आप बहुत ज़्यादा इरिगेट कर दो लैंड को जिससे कि वो वॉश हो जाए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. सो द लॉस ऑफ द वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू रेन या फिर ओवर इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन, सो दैट इज कॉल्ड लीचिंग. ओके, सो आई कैन सी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर. Okay, so the question number one. So read the question very, very carefully. Okay. What percentage of our land should be under forest according to National Forest Policy 1952? So what is the percentage of land? Yes, the mentee code is 4825255. Okay, so the time is going. So according to National Forest Policy, there should be 33% of the land which should be under the forest cover. Okay. Gagan for only notes. Okay, so Abhinav was the fastest in this question, very good, and you are on the top. Then is Alberta, Madhav, Clippy, Gagan, okay, Raja, Akib, Krok, Shami, very good. So let's see. Yes, it is 33% according to the National Forest Policy. Okay, in which one of the following states is terrace cultivation practiced?
तो कहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस होती है? तो ऑब्वियसली वही होगी जहाँ पर क्या होंगे, सोचो सोचो. सो यू हैव 30 seconds टू आंसर एवरी क्वेश्चन. पंजाब, प्लेन्स ऑफ यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड. वेरी सिंपल है. अगर आप ये सोचो कि टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर हो सकती है. ओके, सो द टाइम इज अप. इट इज उत्तराखंड, क्योंकि वहीं पर हिल्स माउंटेन्स तो वहीं पर है ना, वहीं पर टेरेस कल्टीवेशन हो सकती है. ठीक है, ओके. तो लेट्स सी हु वाज द फास्टेस्ट. सो अभिनव वाज फास्टेस्ट अगेन एंड ही इज ऑन द टॉप. देन इज माधव, देन इज मोदी रोजगार दो, अच्छा, देन रिया, एल्बर्टा, क्लिपी, राजा, अकीब, दीपक एंड एकेन यूनिवर्स, आदित्य. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड. तो ब्लैक सॉइल हमें कहाँ पर मिलती है? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और झारखंड. All right, so yes, it is found in Gujarat. Okay, so let's see our leaderboard. So as I can see, so Abhinav was the fastest in this question. Okay, you want tough questions. Okay, so these are easy for you. So I'm glad to know that. ओके, देन इज माधव, मोदी रोजगार दो, रिया, दीपक, क्लिपी, गगन, एल्बर्टा, अकीब, धीरज एंड राजा. ऑल राइट, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी हैज बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन आर. All right, so potential resources, individual resources, developed resources or stock. Yes, so these are developed resources. So let's see the leaderboard. Who is the fastest? So Madhav was the fastest in this question and now he is on the top. Very good, Madhav. Then is Abhinav, then Modi Rozgar Do, then Riya, Deepak, Dheeraj, Kripi, Gyan, Elbota, Akib and Aditya. See, you know the answer, Madhav, because you understood the meaning, okay? So there are many students jinka answer galat tha, okay? So the question number 5. Which one of the following soil is ideal for growing cotton? So this is the easiest question that I can give you. So I think this is the easiest one. Okay, so everybody voted. Yes, it is regular soil. So that is also called black soil. Right? Okay, so very good. As I can see, Madhav was the fastest and he's on the top. He's the winner of the quiz. So congratulations to you, Madhav. So what you have to do, write your full name jis class mein aur jahan matlab jis quiz mein aap jeete ho, write that name, attach your valid ID proof and send all those details to deepika@learnhub.com. So that is deepika@learnhub.com. Okay, so that was all about our today's quiz. Ma'am, I was late in Menti quiz. Okay, Dheeraj. So that was all about our today's revision and we will let you know the topics of the coming week very soon, like by Monday. And we will all meet on Monday now and let's see what will be the topics. Okay, so take care everybody and see you all next week, and take care and bye bye.